वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज चिराग जाने के योर अर्बन नामा। सो आज हम एक निकल चुके हैं एक छोटे से ट्रिप पे, जो कि रहने वाला है मेरे कुछ प्यारे दोस्तों के साथ, जो है राघव भैया एंड सिमरन। और हम आज कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आज हम जा रहे हैं बो वैली की तरफ। तो बो वैली में आज हमारा स्टे कुछ अजीब सा होने वाला है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि हम कहाँ पर ठहरने वाले हैं। तो फिलहाल अभी बस हम निकल चुके हैं और लगभग ज्वाला जी के पास पहुँचने वाले हैं। तो अभी बस एक छोटा सा ब्रेक लिया था कुछ खाने पीने के लिए। तो बाकी एक नंबर वेदर है, एज़ यू कैन सी बहुत ही बढ़िया वेदर है आज। और अपने भाई लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो वेलकम बैक गाइस। सो अभी हम पहुँच चुके हैं बो वैली में, और यहाँ पे अभी हमने एक रूम ले लिया है। तो 1000 में हमें ये रूम मिल गया, और बाहर तो मौसम एक नंबर चल रहा है, क्योंकि एज यू कैन सी काफ़ी आवाज़ है बाहर पानी की। यहाँ साइड में ही रिवर व्यू है, और ये कुछ होम स्टे हमें यहाँ पे मिल गया है, बहुत ही प्यारा सा होम स्टे है। ये किचन है इनका, और ये हमारा रूम है कुछ। तो फिलहाल तो अभी हम काफ़ी लेट हो गए पहुँचते, अभी रात के ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। और फिलहाल अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, भाई खाना बना रहे हैं नीचे, और हम यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि वेदर बहुत ही एक नंबर है यहाँ पे। बाकी अपने सिमरन भैया पहुँच चुके हैं यहाँ पर। हेलो, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा आ रही है पीछे से, बाकी अभी आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, हम सुबह ही दिखाएँगे आपको अच्छे से क्या व्यू है। हम चारों तरफ पानी से गिरे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पीछे भी पानी है। बाकी सुबह मिलते हैं, अभी देखता हूँ अगर कुछ दिखाने लायक हुआ आपको तो दिखा देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह हो चुकी है एज़ यू कैन सी। तो अभी मैं और राघव निकले थे सुबह सुबह बो वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी घूमते घूमते हम यहाँ पर एक ग्राउंड था एज़ यू कैन सी मेरे पीछे, तो इस ग्राउंड में आ गए, और ग्राउंड के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पे पानी बह रहा है, तो बस वहीं पे हम चले गए। और राघव अभी भी वहीं पे बैठा है, और वैसे तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, लाइक सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई यहाँ पे है भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, ना कोई और है, बस हम दोनों ही घूम घूम के यहाँ पर पहुँच गए थे। और अभी हमने कुछ रील्स वगैरह वहाँ पे शूट की, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हैं, जो आपकी आपको देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे। और बाकी फिर आज हमारा एक छोटा सा ट्रैक का प्लान है, जो कि रहने वाला है एक वाटरफॉल है ऊपर जाकर, आई डोंट थिंक सो, मुझे उसका नाम पता है, नाम मैं आपको आके चल के बता दूँगा। तो बस अभी वापस रूम पर जाएँगे, और वहाँ पर जाके तैयार व्यार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर ट्रैक के लिए निकल जाएँगे। बाकी बने रहो ब्लॉग में, आप सबको दिखाता रहूँगा मैं कि क्या क्या है। आई थिंक पता नहीं क्या लग गया ये मेरे फेस पे, वो पानी में मुंह डाल के हमने थोड़ी रील्स शूट की थी ना, तो उस वजह से ये बाल भी मेरे गीले हैं इस वजह से। तो मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। यू कैन सी वो नीचे राघव भैया बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, और बहुत ही मस्त पानी, ठंडा ठंडा, और एक नंबर वेदर है एज़ यू कैन सी, काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे, और बहुत ही पीसफुल एरिया है ये, कोई क्राउड नहीं है, कोई शोर गुल नहीं है, इवन दो कि लोकल्स भी बहुत कम है इस समय यहाँ पे, डोंट नो क्यों, बट मे बी शायद बारिश का मौसम है तो उस वजह से। और बाकी ये साथ में ही रिवर बह रही है, और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है एज़ यू कैन सी, ये देखिए बहुत ही प्रिटी मंदिर है, जो हम अपनी ओरिजिनल आइज से देख पा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि कैमरा उस चीज़ को जस्टिस कर पाए। अपने राघव भैया थोड़ा मेडिटेट करते हुए सूर्य देवता को बुला रहे हैं कि सूर्य देवता आ जाएं, और आई थिंक सूर्य देवता भी आने वाले ही हैं। और बाकी पानी एक नंबर, हम जा रहे हैं वापस। इस फिलहाल अभी हम रेडी हो चुके हैं, और एज़ यू कैन सी थोड़ा सा बाथ वगैरह ले लिया, फ्रेश हो गए हैं। अभी हम थोड़ी देर में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके फिर निकलेंगे ट्रैक की तरफ, और
जो जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं तो उधर के जो भैया हैं वो हमें आज ऊपर ट्रैक पे भी लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल मील बनाया है, कह लो ब्रेकफास्ट बनाया, दैट इज़ बिच्छू बूटी की सब्जी, आई डोंट नो यही है उसका सही नाम या कुछ और, बट ये चीज़ बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग अपन पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अपने भाई पहले से ही है, और बिच्छू बूटी की सब्जी खाइए, ये कुछ सब्जी बनाई है बिच्छू बूटी की सब्जी, साथ में चपाती रहे इसके, और ये कुछ हर्ब होती है उसकी सब्जी बनाई है इन्होंने, अभी खा के बताते हैं आपको कैसी है। सही है भाई, सही है, बहुत टेस्टी है। चलो फिर हमें खानी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। तो गाइज अभी फ़िलहाल हम निकलने लगे हैं ट्रैकिंग के लिए, जो कि है वाटरफॉल, क्या नाम है वाटरफॉल का, क्या, हाँ खबरू वाटरफॉल के लिए हम निकलने वाले हैं, और अभी गाड़ी को भैया स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एक आधा किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, तो वहाँ तक हम कार में चले जाएंगे, और उसके बाद कार को वहाँ पे पार्क करके देन वी विल गो फॉर ट्रैक। तो अभी राघव भैया पीछे फिर से फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, सिमरन भैया पीछे गाड़ी को वॉर्म अप कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं आपको। और ये कुछ गेस्ट हाउस था जहाँ पे हम रुके हुए थे कल रात, और सुबह भैया ने बहुत ही बढ़िया एक नंबर ब्रेकफास्ट करवाया हमें, कुछ यहाँ की लोकल डिश थी वो खिलाई। वैसे हम रात को हमने ही ने बोला था कि कुछ हमें लोकल का ट्राई करवाओ जो यहाँ का फेमस है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी बस यहाँ से निकलेंगे और मिलता हूँ जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, फिर वहाँ पे मिलता हूँ आपको। गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है खबरू वाटरफॉल का ट्रैक, ये अपन भाई लोग विद सेम टी शर्ट्स आगे चल रहे हैं, और यहाँ पे ये न्यू फ्लाई ओवर बन रहा है तो उसका काम चल रहा है। बस यहाँ से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, होपफुली देखो कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि हिमाचल का 2.5 किलोमीटर इज़ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स। तो बाकी बीच बीच में मिलता हूँ आपको। तो भाई अभी हम रास्ता भटक गए थे, किसी भाई ने हमें ये शॉर्टकट बताया, वो भी किसी के घर में से, तो ये छोटा सा पुल बना हुआ, होपफुली सही रास्ते पे पहुंच जाएं हम। तो गाइस अभी हम फिलहाल आधा रास्ता आ चुके हैं, एज यू कैन सी ट्रैकिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, सो आप देख सकते हो काफ़ी स्वेट आ चुका है, और ये कुछ पीछे झरने वादियाँ, मज़ा ही मज़े लाइफ के, और ये अपने स्क्वाड वो देखिए जिम बॉय सबसे आगे, जिम बॉय सबसे आगे, फैट बॉय सबसे पीछे, और ये बेचारा मिडल का, ना इधर का ना उधर का, ये बेचारा मिडल का। चलो गाइज अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत दूर है अभी भी, पहाड़ झरने। गाइज अभी हम हाफ वे थ्रू आ चुके हैं, और बिल्कुल ही डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और वो राघव भैया जा रहे हैं आगे, बहुत ही हॉरर लोकेशन है एज यू कैन सी। तो गाइस बस यहाँ से 500 मीटर रह गया है, और सिमरन भैया राघव भैया थोड़ा ठीक है अभी, और यहाँ पे बारिश भी लग चुकी है, और हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, और एडवेंचर सब हो चुका है हमारा, वाटरफॉल पे अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं हम, और ये हमारे सिमरन भैया। तो गाइस यहाँ पे अभी ब्रेकिंग न्यूज़ हो चुकी है, अचानक से बारिश बढ़ चुकी है, एज यू कैन सी ये देखिए काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है, हम काफ़ी डर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल के में पहाड़ों का कुछ नहीं पता होता कब बारिश का पानी इकट्ठा ही आ जाए, तो अभी हम क्विट कर रहे हैं ये रास्ता है वो बहुत ही स्लिपरी हो गया, गंदगी रही, वाटरफॉल द्वारा जाएं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस यही चीज़ है बस, और इसलिए हमेशा ये सही डिसीजन भी होता है कि आप लगते हैं आप कुछ करते हैं खुद को बाधा कुछ नहीं है 5 मिनट पहुँच जाएंगे। हाँ काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी हो चुका है, अगर आपको लगता है कि
डेंजरस है या थोड़ा सा भी रिस्क है तो क्विट करना ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि लाइफ क्विट होने से अच्छा है टास्क क्विट कर दो अपना। सही बात, यही यही तो मोटिव है लाइफ का यार। तो गाइज अभी हम थोड़ा बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है बारिश और हम और हमारे पास सारे बैग्स वगैरह ट्रैक करना। हाँ, वाटरफॉल देखना। हाँ बस यही चीज़ है, हमें अपनी क्षमताओं को वो करना था टेस्ट। ये शक्तिमान बंदा तो इसमें भी शक्ति है, जिसमें हम फेल हो चुके हैं, जिस कारण हम त्रियुण ट्रैक कैंसिल कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ पर। अभी ये थोड़ा सा जंगल ख़त्म होगा ना तो आपको दिखाते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर ही रह गया था। बात 600 मीटर की नहीं है, बात है रिस्क लेने की। तो इससे अच्छा है कि हम रिस्क ना लें और सेफली नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि ये बहुत ही टाइट सा ट्रैक है, लाइक खुली खुली सी ट्रैकिंग नहीं है यहाँ पर, और ज़्यादा स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स पे थोड़ी सी काई जमी हुई है, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी लग रहा है हमें। ओह यो ब्रो, सो सी बस जहाँ से ये पानी आ रहा हम वहीं पे जा रहे थे। और ये देखिए काफ़ी बारिश हो रही है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रैक था ये, बट रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। तो अपन लोग वापस जा रहे हैं, मिलता हूँ आपको थोड़ा सा आगे जाकर। तो गाइस फिलहाल अभी हम वापस जा रहे थे, तो बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये कौन सा था वो वाटरफॉल, खबरू वाटरफॉल का ट्रैक हमारा बन गया है, रेन फॉरेस्ट ट्रैक, रेन फॉरेस्ट ट्रैक बन चुका है अभी तो। हम बेल आउट इसलिए कर गए कि खबरू में हमारी खबर ना बन जाए कहीं। नहीं, वो अच्छा डिसीजन ले लिया हमने, और टाइम से घर भी पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि पता क्या है जवान बच्चे हैं अभी हम। ये देखो जवान बच्चा। जवान बच्चे रिपोर्ट करो। हाँ प्रेम सुना है। तो बस ऐसे ही फोटो खींचते वापस जा रहे हैं, गिले तो हो चुके हैं, कैमराज हमने कवर कर दिए हैं, बाकी फोन चलो थोड़े बहुत वाटरप्रूफ हैं। एक काही वाले फिल्टर पे, एक नॉर्मल कैमरा। ओके भाई फोटोशूट बहुत ही एक नंबर। तो गाइस फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं हमारे बेस कैंप पे। ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि नीचे ही आना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो अभी भाई लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, रास्ते में इनको भालू भी पड़ गया था। अभी तो एक और चैलेंज है यहाँ से शाहपुर पहुँचना, क्योंकि रास्ते में बहुत एक सिंगल लेन रोड है, एंड अभी जब हम आए थे रास्ते में एक दो लैंडस्लाइड हो रखी थी, तो दो हम अंधेरे में आए थे पर गाड़ी निकल रही थी, रास्ता बहुत कम था। चलो रास्ता तो अभी शायद क्लियर हो, पर मिट्टी है, बारिश है, स्लिप कर सकती है। तो एडवेंचर तो हमारा हो ही गया सारा, बाकी आप देख सकते हो वेदर एक नंबर है। और जाते टाइम हम थोड़ा सा मिसगाइड हो गए थे, कि जाते टाइम हम इधर से चले गए थे, बट रियल ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बस वापस आ चुके हैं, अभी कार में जा रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे और फिर निकलते हैं शाहपुर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राघव फ्रॉम हमारे चिराग भाई के ब्लॉग से। थोड़ा सा सरप्राइज है चिराग के लिए भी और आपके लिए भी। भाई साहब हमारे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, सो रहे हैं, और हमने एक सरप्राइज प्लान कर लिया है। हमारे सिमरन भाई जो हैं, सिमरन भाई जी, इन्होंने टर्न ले लिया है मैकलोडगंज को। अब हमारे चिराग भाई सो रहे हैं, उनको हम सरप्राइज देंगे, मैकलोडगंज में सीधे जाके उठाएंगे। वेदर यहाँ का भी बहुत ही मस्त लग रहा है, अभी तक तो मस्ती है, अभी तक तो मस्ती है, मस्ती रहना चाहिए, ज़बरदस्त ना हो जाए। तो अभी जाके हम आपको सरप्राइज वाला ब्लॉग दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देने जा रहे हैं चिराग भाई को सरप्राइज। हम पहुंच गए हैं मैकलोडगंज। चिराग ब्रो, ओ ब्रो, कहाँ पहुंच गए हम? कहाँ पहुंच गए भाई? मैकलोडगंज। यस, ओ यार मैं वो आ गई मैकलोडगंज यार, मजा नहीं आया उत्थे जाके यार, मैकलोडगंज चल रहे हैं।
चिराग भाई को ब्रो, ये सबको आप फ्रेंड्स को हम बता रहे हैं कि हमने सरप्राइज दे दिया है और ये ब्लॉग का हिस्सा हमने शूट किया है। हम थोड़े नादान से बच्चे हैं, मैं और सिमरन जी। तो अभी आगे का हमारे असली ब्लॉगर जो है हमारे चिराग जी, वो संभालेंगे तब के लिए। तो भाई लोग, अभी हम पर लोग पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज। मेरे भाइयों ने मुझे उठाया नहीं, मैं सोया पड़ा था, मुझे पता भी नहीं लगा कब हम मैक्लोडगंज पहुँच गए। तो अभी बस यहाँ पर अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी हमने, अब ढूंढेंगे रूम वगैरह मिलता है तो। बाकी ये भाई लोगों ने मुझे सरप्राइज दे दिया, साला अच्छा सोया मैं। और वो रहा सामने दलाई लामा टेम्पल, बस अभी उसकी पार्किंग में पार्क किया हमने गाड़ी को और अभी मिलता हूँ आपको रूम में जाके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लोडगंज। जैसा कि आपने लास्ट में देखा था, कल शाम को हम पहुंच गए थे मैक्लोडगंज, जो कि सरप्राइज़ था मेरे फ्रेंड की तरफ से जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। बाकी अभी थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हो रही है मैक्लोडगंज में। बस अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के लगभग 7:30 हो चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे वापस होशियारपुर के लिए। और कल रात को ज़्यादा व्लॉग किया नहीं हमने, थोड़ा मार्केट वगैरह एक्सप्लोर की, 2-4 सामान लेने थे वो लिए और देन उसके बाद बस खाया पिया और सो गए, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे ट्रैक की वजह से। और अभी फ्रेंड्स अंदर रेडी हो रहे हैं और मैं थोड़ा रेडी हो गया था। तो बस बाकी आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, एक नंबर व्यू है यहाँ से हमारे होटल की लॉबी से ना, तो कुछ ऐसा व्यू है हमारी होटल की बालकनी से। और ये हमारा रूम है इधर पीछे, और ये है, और ये साइड में है दलाई लामा टेम्पल। दलाई लामा टेम्पल के बिल्कुल साथ में रूम मिल गया था, क्योंकि ज़्यादा वॉक करने की हिम्मत थी नहीं हमें, और वो नीचे धर्मशाला है। बाकी बस अभी निकलते हैं और रास्ते में ही ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़े एग्जॉस्टेड से हुए हैं और थोड़ा टाइट भी हूँ मैं। तो बाकी मिलता हूँ आपको रास्ते में और व्लॉग एंड वहीं मेरे टिपिकल स्टाइल स्टूडियो में जाके होगा, और रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा अगर कहीं पे रुके हम तो। पीस आउट। सो वेलकम बैक गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्टूडियो में। स्टूडियो में तो मैं सुबह ही पहुँच गया था, बट सुबह से काम था, काफ़ी अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग थी सैटरडे की भी, तो बस अभी वही कंप्लीट करके हटाऊँ। और जैसा कि आप लास्ट में देखा होगा कि हम मैक्लोडगंज से निकल चुके थे, तो रास्ते में कोई व्लॉग किया नहीं, बस एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे और फिर सीधा हम घर आ गए, और घर आके फिर बस मैं सो गया और फिर आप आज अभी स्टूडियो वापस आ चुका हूँ। तो बाकी आपको, आप सबको कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग जो कि था ट्रैकिंग वाला, थोड़ा एडवेंचरस ट्रैकिंग वाला ट्रैक था। बाकी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, सी या।